भार्गव जी, जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ बीमारियों का अगर समय पे इलाज ना लिया जाए, समय पे उपचार ना कराया जाए, तो वो बहुत भयानक स्थिति में पहुंच जाती हैं। जिस तरीके से कैंसर है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ब्रेन से संबंधित जो रोग हैं, क्या उनकी भी यही स्थिति है? क्या वो भी इस तरीके से गंभीर परिणाम उनके हो सकते हैं? यस सर, माइंड प्रॉब्लम्स आर रियली वेरी सीरियस हमारे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इग्नोरेंस। हम शुरू से इग्नोरेंस मोड में रहते हैं। कैसे? कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कहता है मेरे को डिप्रेशन है, आप देखोगे समाज उसका मजाक उड़ाने लगता है, इट इज़ वेरी बैड सिनेरियो। अगर किसी आदमी को डिप्रेशन है, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता किस वजह से है। हो सकता है बच्चा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या पता उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ गया। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि भाई मेरे टीबी हो गई, मेरे कैंसर हो गया, हम तुरंत उसके साथ सिंपथी दिखाने लगते हैं। कोई कहता है मेरे को एंग्जाइटी है, हाँ वैसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम उतनी ही सीरियस है, क्योंकि इन्हीं के बाद ये आगे की प्रॉब्लम जो सिम्टम है वो हमें दिखते हैं, कैंसर हो गया, ये हो गया, ये हमें एक हवा की तरह दिखने लगते हैं। पर माइंड की प्रॉब्लम उनसे ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये सब देती वही। अगर किसी को डिप्रेशन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, उसको समझना पड़ेगा क्यों है, किस वजह से है, क्या रीज़न है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस। दूसरा, हमारा ब्रेन हमारी ऑक्सीजन का 20% लेता है। हम जितना भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसका 20% तो ब्रेन ही ले लेता है। तो 1/5 जो एक पार्ट ले रहा है, वो तो पावरफुल कैसे नहीं होगा? उसका वजन कितना है? 1200-1400 ग्राम। आपका वजन कितना होता है? 60-70 किलो। तो एक 1200-1400 ग्राम का एक छोटा सा बॉडी का पार्ट आपकी ऑक्सीजन का 1/5 ले रहा है, तो बहुत सीरियस मैटर है। और उसमें प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली आपको रिजल्ट बहुत टफ हो जाएंगे, लाइफ की ग्रोथ, लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी जिनका कोई सलूशन आपको मिलेगा।